अपने मोबाइल डायलर के अंदर आप वॉलपेपर कैसे सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, माई फोटो फोन डायलर नाम की एक एप्लीकेशन है जिसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली इसको ओपन करना है। ओपन करते ही यहाँ पर आप देख सकते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा, और यहाँ पर आपको गो टू सेटिंग पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपको कस्टम स्टाइल और यहाँ पर आपको क्लिक आंसर कॉल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। और फिर यहाँ आपको डिश लाइन पर क्लिक करना है, और फिर आपको मैसेज पर क्लिक करके यहाँ पर आपको स्वाइप कर देना है। ये सब करने के बाद अब यहाँ पर आपको डबल टैप कर देना है, और यहाँ पर देख सकते हो ऑलवेयर यहाँ पर आप आ चुका है, और यहाँ पर यह परमिशन मांग रहा है तो हमको परमिशन को एलो कर देना है। फिर आपको यहाँ पर कुछ से ऑप्शन दिखाई देंगे जो आपको परमिशन मांग रहा है, तो यहाँ पर आपको सभी को यहाँ पर परमिशन दे देनी है, तो मैं यहाँ पर परमिशन दे देता हूँ। यहाँ पर तो इन सभी को मैं यहाँ पर परमिशन दे देता हूँ। परमिशन देने के बाद अब यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद फिर यहाँ पर देख सकते हो रीड कंटेंट, तो इसको भी मैं यहाँ पर परमिशन दे देता हूँ। और यहाँ पर स्टोरेज है, इसको भी मैं परमिशन दे देता हूँ। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट कॉल फ़ोन है, इसको भी मैं सेट डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करके इसको परमिशन दे देता हूँ। और फिर यहाँ पर देख सकते हो फ़ोन स्टेट, तो यहाँ पर मैं इसको भी परमिशन दे देता हूँ। ये सब देने के बाद अब यहाँ पर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद यहाँ पर देख सकते हो कुछ ऐसा इसका इंट्रो होगा, और यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना होगा। वेट करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऐड आएगा, तो ऐड को यहाँ से आपको कर देना है रिमूव। तो मैं यहाँ पर ऐड को कर दिया हूँ रिमूव। रिमूव करने के बाद अभी यहाँ पर देख सकते हो डायलर और कॉलर, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉलर पर क्लिक कर देना है। कॉलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको एक कलर का आइकन शो हो रहा है, तो यहाँ पर आपको कलर पर क्लिक करके यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो पिक इमेज, तो मैं यहाँ पर पिक इमेज पर क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पर अप्लाई इमेज पर क्लिक कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर अपने एल्बम में आ चुका हूँ, और एल्बम में आने के बाद यहाँ पर आपको कोई एक फ़ोटो यहाँ पर चूज़ कर लेनी है, तो मैं यहाँ पर कोई एक फ़ोटो यहाँ पर चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर ये फोटो यहाँ पर चूज करके यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करके यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है। और इस कमल का एप्स का फायदा क्या? सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पर आपको एक ऐड आएगा, तो ऐड को यहाँ से आपको स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद यहाँ पर आपको बैक आ जाना है, और यहाँ पर देख सकते हो जब भी आपका कॉल आएगा कुछ इस तरह यहाँ पर फोटोस होगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक करके यहाँ पर मैं बैक आ जाता हूँ। यहाँ पर मैं इसको स्किप कर देता हूँ, ऐड को स्किप करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो डायलर, तो मैं यहाँ पर डायलर पर क्लिक करता हूँ। डायलर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो कलर है यहाँ पर आपको क्लिक करके यहाँ पर आपको बैकग्राउंड पर क्लिक करना है। बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कोई एक फ़ोटो यहाँ पर चूज़ कर लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर ये चूज़ कर लेता हूँ। तो ये मैं यहाँ पर पिक इमेज पर क्लिक कर देता हूँ। पिक इमेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको कोई एक इमेज यहाँ पर आपको चॉइस कर लेनी है, जैसे कि मैं यहाँ पर ये इमेज यहाँ पर चॉइस कर लेता हूँ, और यहाँ पर कर लेता हूँ अप्लाई। और यहाँ पर देख सकते हो सक्सेसफुल हो चुका है। और सक्सेसफुल होने के बाद सो गाइस मेरे साथ कुछ आज ऐसा हुआ। सक्सेसफुल होने के बाद यहाँ पर अब आपको बैक आ जाना है, तो मैं यहाँ पर एक बार इसको ऐड को कर देता हूँ यहाँ से स्किप। तो यहाँ पर ऐड बहुत आएंगे, तो इसको आपको इग्नोर कर देना, और यहाँ पर मैं आ जाता हूँ बैक। बैक आने के बाद यहाँ पर देख जो हमारा जो वॉलपेपर है कुछ इस तरह यहाँ पर सेट हो जाएगी। फिर अगर मैं वापस से कलर पर क्लिक करके यहाँ पर कीपैड पर क्लिक करता हूँ, कीपैड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर काफ़ी तरह के कीपैड मिल जाएंगे, तो यहाँ पर आपको कीपैड को सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह देता हूँ स्किप, और यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह यहाँ पर हमारी जो पिक है वो यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो इस तरह से आप अपने फ़ोन डायलर के अंदर जो फोटो है वो यहाँ पर। तो यही थी आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।